Hello students, how are you? Welcome to the video lecture of Pioneer School Patan. First of all, we will discuss some important facts about displacement, velocity and acceleration in simple harmonic motion. Okay, simple harmonic motion में हम लोगों ने displacement, velocity और acceleration के जो equations पढ़ी थी, तो उन equation में सभी की frequency क्या होगी? Same. एक fact ये आप याद रखेंगे, displacement, velocity and acceleration of particle in SHM have same frequency. इस फॉर्मूले को देख के आप इस फैक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू अगर a cos ओमेगा t है तो v इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा a sin ओमेगा t है एंड एक्सीलरेशन a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a cos स्क्वायर ओमेगा t है. ओके गाइस, और अब जो हम फैक्ट पढ़ने वाले हैं उसके लिए आपको माइंड में रखना है सिंपल पेंडुलम को, और क्योंकि इसके एक्सीलरेशन का हम इसके डिस्प्लेसमेंट का हम फंक्शन जो ले रहे हैं वो कोस से ले रहे हैं, इट मीन्स वी आर स्टार्टिंग द मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन. मोशन को कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? एक्सट्रीम पोजिशन से स्टार्ट करें जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए है. और जब ये पार्टिकल इस तरफ आएगा तो इसका वेलोसिटी इसकी मीन पोजिशन पर, ये इसकी क्या कहलाती है, मीन पोजिशन. और यहाँ पर ये इसका एक्सट्रीम पोजिशन, ये लेफ्ट राइट दोनों पोजीशन हो गई, यानी कि इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन. तो एक्सट्रीम पोजीशन पर इसके जो एम्पलीट्यूड से एक तरफ प्लस है और दूसरी तरफ क्या होगा, माइनस है. तो ध्यान रखें कि वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम कहाँ होती है, मीन पोजीशन पर, और सबसे मिनिमम कहाँ होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर. तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ओमेगा ए. ओके, जब ये यहाँ से इधर आ रहा होगा तो माइनस ओमेगा है हो जाएगा, और उधर जा रहा होगा तो प्लस ओमेगा है. तो यानी कि कुल मिला के मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजिशन. वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजिशन. ओके, और वी मैक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्लस माइनस ओमेगा ए. ओके, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड प्लस माइनस, यानी कि इसका डायरेक्शन आइदर अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन और टूवर्ड द मेन पोजीशन हो सकता है. ओके, नाउ अब बात करेंगे, एंड वेलोसिटी इज ज़ीरो, वेलोसिटी इज ज़ीरो एट एक्सट्रीम पोजिशंस. और बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पर ऑब्जेक्ट जाके क्या होता है, फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट रुक जाता है. इसके अलावा अगर हमको वेलोसिटी चाहिए कहीं और, तो वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर पोजीशन, वेलोसिटी एट एनी अदर पॉइंट एट एक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन. ध्यान रखें, मोशन भले ही यहाँ से स्टार्ट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हमको मीन पोजिशन से ही काउंट करना है. इस गिवन बाय वी इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये एक्स स्क्वायर एक तरह से क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है. ओके गाइस, नेक्स्ट इज एक्सीलरेशन जो है, एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशंस. ओके, यहां पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई है तो यहां उसका एक्सीलरेशन जीरो होगा. ओके, ध्यान से देखेंगे आप लोग. सो एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशंस.
ओके, क्योंकि ये मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कोस से, तो जहाँ पर ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि कोस ओमेगा टी यहाँ से शुरू हो रहा है इसलिए ये ओके. तो एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजिशंस एंड ए मैक्स हम कितना दे सकते हैं, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए. ओके, एंड इट इज मिनिमम एट मीन पोजिशन, इट इज मिनिमम एट मीन पोजिशन. एक्सेलरेशन इज मिनिमम एट मीन पोजिशन. इस तरह के आप ये फैक्ट्स नोट कर ले. सभी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम होगा. ओके, नाउ इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, मैं अगला फैक्ट बात करता हूँ इस पर. एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है बट विद नेगेटिव स्लोप. एक्सेलरेशन वेराइज डायरेक्टली, या एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट विथ नेगेटिव स्लोप. ओके, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इनका, यानी कि जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़ीरो होगा. और फिर जैसे जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, नेगेटिव. तो इस तरह का आपका लाइन बनेगा, ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, पॉजिटिव. ओके गाइस, इस तरह का नेगेटिव स्लोप का इसका कर्व बनेगा. स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद नेगेटिव स्लोप. ओके ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट इज क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान है. ए इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ओके, तो इसका स्लोप क्या हो गया, ए बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर. इसका स्लोप क्या हो गया, ए बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट इज अगर हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के कर्व प्लॉट करते हैं, किसके, वेलोसिटी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कर्व प्लॉट करते हैं अगर, सो लेट मी करेक्ट माय वर्ड्स, कि जब अपन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का कर्व बनाते हैं तो हमें इलिप्टिकल शेप मिलता है. और यहाँ और आप मार्क कर सकते हैं, जब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, प्लस ए, तो आपका एक्सेलरेशन हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए. ओके, और यही लाइन उधर भी भेज सकते हैं आप, ये ग्राफ अगर चारों क्वाड्रेंट का बनाना है तो ये ओमेगा स्क्वायर ए है, कब, जब ये क्या है आपका, माइनस ए है. ओके, इस तरह का ग्राफ ये है. नाउ डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का कर्व फंक्शन को देख के आप बता सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन इस पे द ग्राफ बिटवीन velocity and displacement is ellipse in the shape of ellipse के जैसा होता है ये. ओके, इलिप्टिकल शेप रहता है उसका, और उसका फंक्शन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इलिप्स का फंक्शन होता है, आपको ध्यान होगा. तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला रहेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए
ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। और इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? इलिप्स का इक्वेशन मैथमेटिक्स में होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, वन। इस तरह की जो इक्वेशन होती है वो इलिप्स को डिनोट करती है। और अगर ए और बी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो पाथ कैसा हो जाता है? सर्कुलर हो जाता है। ओके गाइस, तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन होगा कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कर्व कैसा होता है, तो इलिप्स के शेप का होता है। और अगर विशेष तौर से बात करें, इफ़ ओमेगा इज इक्वल टू वन रेडियन पर सेकंड, ओके, यानी कि इस ओमेगा की वैल्यू वन हो, देन आपके पास ये जो वैल्यू है वो और ये दोनों क्या हो गई, सेम। तो वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, वन, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो सर्कल की इक्वेशन बन जाती है। ओके, सो द कर्व या द ग्राफ विल बिकम सर्कुलर। इसका ग्राफ जो है सर्कुलर ग्राफ हो जाएगा। इलिप्स और सर्कल में क्या फ़र्क है? इलिप्स की दो रेडियाई होती है, ओके, और सर्कल की सिंगल रेडियाई। ए इक्वल टू, इसमें ए और ये बी जो होते हैं वो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ओके गाइस, ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाती है, इक्वल, तो ये इलिप्स बन जाता है। ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको इलिप्स के बारे में बताया था मैंने बहुत कुछ। ओके, नाउ इन फैक्ट्स के साथ अब अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी इन SHM। ओके, आज का टॉपिक वही रहेगा, ये तो जो आपके लास्ट लेक्चर थे उसके साथ में ऐड करना आपको। सो गाइस, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन SHM ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी मीन्स, अगर हम स्प्रिंग के मोशन की बात करें या जो हमने ऑसिलेशन पढ़ रखा है उसकी बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। आपने स्प्रिंग का टॉपिक खोलना वर्क एनर्जी चैप्टर में, उसमें देखेंगे आपको स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? उसका डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही उसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो अपन बात करेंगे यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कोई सा भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, चाहे वो स्प्रिंग का हो चाहे वो पेंडुलम का हो, सबके लिए इम्प्लीमेंट होगी ये। तो सिंस पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, समझ में आ गई बात। और हमने ये पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है, सिंस डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इन SHM is x is equals to a cos omega t, okay? अगर plus phi लिखना है तो पूरे expression उसमें चल जाएंगे, okay? Now अभी अपन plus phi नहीं लिख रहे, simple way में इसको पढ़ रहे हैं। तो u is equals to half k a square cos square omega t, okay guys? यहाँ पर आप ओमेगा टी प्लस फाइव पुट कर सकते हैं, उससे उसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम टू सेम एक्सप्रेशन चलता रहेगा इसके साथ। नाउ इस बात को आप नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर सिंस जो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, के बाय एम, क्या होता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, के बाय एम, यानी कि हमारे पास के का फॉर्मूला क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर। समझ गए आप लोग? तो अगर आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं दे रखा है तो हम इस फॉर्मूले को कैसे करेंगे, का हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ओके गाइस,
अगर ये तीनों फॉर्मूले अपने आप में एक एक, अगर आपके पास पर्टिकुलर स्प्रिंग कांस्टेंट है और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपके पास एम्पलीट्यूड और एंगुलर वेलोसिटी है तो आप यहाँ से यूज़ करेंगे इसको, के एम्पलीट्यूड और एंगुलर वेलोसिटी यानी कोस का फंक्शन पूरा अवेलेबल है। अगर आपके पास मास भी गिवन है उस पार्टिकल का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उस ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, नाउ बात करेंगे हम पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखें तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। और सिंस इन SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करके हमने निकाला था, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। ओके गाइस, और प्लस फाइव है तो इसमें भी प्लस फाइव चल जाएगा साथ में। ये इसमें पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, ये देखिएगा क्या मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल्स टू विच इम्प्लाइज के इज इक्वल्स टू हाफ एम और माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। सो गाइज, इट विल बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा। सो गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज, ये जो है वो कॉस का फंक्शन है और ये किसका फंक्शन है? साइन का फंक्शन है। ओके गाइस, तो ये जो वैल्यू है यानी कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, कॉस कहाँ पर मैक्सिमम होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होगी और साइन आपका यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का होगी मीन पोजीशन पर। ओके, कब? जब आपका मोशन कहाँ से स्टार्ट होता हो? साइड से, एक्सट्रीम पोजीशन से ही स्टार्ट होता हो तब। ओके गाइस, समझिएगा इस बात को, आपका मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन से। पूरा चैप्टर इसी से स्टार्ट होता है कि डिस्प्लेसमेंट आपका कॉस से ले रहे हैं। ओके गाइस, अब सिंस हम जानते हैं कि के को क्या लिखते हैं अपन, एम ओमेगा स्क्वायर, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में अगर आपको चाहिए तो यू, ये जो के हो जाएगा आपका हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके गाइस, सो दीज फॉर्मूलाज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ओके गाइस, नाउ अब हम बात करेंगे टोटल एनर्जी की। किसकी बात करेंगे? टोटल एनर्जी की। बिफोर दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं यहाँ पर कुछ फैक्ट ऐड कर रहा हूँ इसके साथ, वो भी आपको नोट करने कि यहाँ पर ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इनका रिपीट होने का जो टाइम इंटरवल है वो कैसे है? कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बात करी कि ये मेरा सिंपल पेंडुलम है, यहाँ से मैं इसको लीव कर रहा हूँ, यहाँ से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस जगह उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ आते आते काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया, तो इस जगह के ई जीरो है एक तरह से और यहाँ पर उसका पी ई जीरो है। ओके, नाउ इधर वापस उसका के ई जीरो। ओके, और इस तरह से मोशन होता रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक ऑसिलेशन कब पूरा होता है? एक ऑसिलेशन यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ आना, यहाँ से वापस यहाँ आना और यहाँ से वापस यहाँ आना, यानी कि ये फोर स्टेप मोशन है। कितना मोशन है? फोर स्टेप मोशन है। तो ये जो आपका टाइम पीरियड है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? फोर पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब ये यहाँ से यहाँ वापस आता है तो उसको टाइम पीरियड टी लगता है। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम पीरियड लगता है? टी हाफ। कितना लगता है? टी हाफ। इसका मतलब आपका काइनेटिक एनर्जी जीरो से जीरो होने में आधा टाइम लगता है, टाइम पीरियड जो उसका आधा लगता है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ गया और वापस यहाँ आया उसमें भी आधा टाइम लगता है, या मैक्सिमम बनानी हो तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ मैक्सिमम है और वापस आधे टाइम बाद मैक्सिमम। तो आफ्टर एवरी हाफ टाइम द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी रिपीट इटसेल्फ। तो जो फैक्ट है उसको याद करें आप लोग,
इस जगह इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो है, फिर टी बाई टू टाइम बाद वापस जीरो, फिर टी बाई टू टाइम बाद वापस जीरो। ओके, समझ में आ गई बात। तो हम ये कह रहे हैं कि चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी, द टाइम पीरियड फॉर बोथ दिस इज टी बाई टू। टाइम पीरियड फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन एस एच एम इज टी बाय टू। ओके ओके गाइस, नाउ वापस से बात करेंगे इसी चीज़ को दूसरे वे में। इफ इफ न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एस एच एम, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ एस एच एम, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो चाहे वो वेलोसिटी हो चाहे वो एसेलरेशन, सब की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो इफ न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एस एच एम देन टू न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ओके गाइस, यानी कि उस टी बाई टू है, टाइम अगर हाफ है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डबल हो गई, या मैंने फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखा है। ध्यान से देखेंगे आप लोग, जो भी इनका एक्सप्रेशन होगा उसमें फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, डबल आ जाएगी। ओके गाइस, यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेवे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टोटल एनर्जी। इन दोनों एनर्जी का अगर अपन सम करते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी। ओके, डेफिनेशन की बात यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत बार काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से और पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से। ओके, सो नाउ टोटल एनर्जी इन एस एच एम। ओके, टोटल एनर्जी इन एस एच एम ई इज इक्वल टू क्या होगा, के ई प्लस पी ई। ओके गाइस, अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा, यानी कि ई जो है वो क्या हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, सॉरी यहाँ पर साइन में साइन होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ओके गाइस, ये आपका फॉर्मूला था। सो इट विल बी लाइक ई इज इक्वल्स टू हाफ और हाफ कितना हो गया वन, समझ में आ गई बात। तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इनके साथ क्या है साइन और कोस है, तो हाफ कॉमन ले लेवे, एम ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, सो इट विल बी वन। आइडेंटिटी है आपका टेंथ क्लास का, तो ई इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। ओके, ओमेगा स्क्वायर ए कहाँ चला गया इसका, ए भी शायद घूमने चला गया हो, देखिएगा ध्यान से, ए दोनों में ए है। फॉर्मूला आप रिवर्स करके चेक कर ले, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, और प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, सो ए भी रहेगा इसके साथ ए स्क्वायर। ओके गाइस, सो इट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके गाइस, याद रह जाएगा। इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ई इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखते हैं अपन, के ए स्क्वायर। ओके गाइस, इसी बात को आपको एक और फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, ई इज इक्वल्स टू हाफ एम तो है 2 पाई न्यू स्क्वायर होल स्क्वायर रहेगा। ओके, और 2 पाई न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, अगर आपको फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं और फ्रीक्वेंसी दे रखी तो इससे ले गए, यहाँ पर मैंने के को क्या लिखा है एम ओमेगा स्क्वायर। ओके गाइस, नाउ कुछ वापस से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे हम लोग, कि यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होती है वो रिपीट नहीं होती है। ओके, यानी कि उसके फॉर्मूले में आप देख लेंगे साइन और कोस नहीं आ रहा है, तो वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि
फ्रीक्वेंसी जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, इट मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ या टोटल एनर्जी इन SHM, टोटल एनर्जी इन SHM इज नॉट पीरियोडिक, वो कांस्टेंट होती है, हमेशा इतनी ही रहेगी। हर पोजीशन पर आप आंसर निकालेंगे हाफ के ए स्क्वायर आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, दोनों का सम हमेशा इतना ही आएगा। ओके, तो टोटल एनर्जी इन SHM इज नॉट पीरियोडिक, सो इट्स फ्रीक्वेंसी इज ज़ीरो। फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, इज ज़ीरो, एंड टाइम पीरियड पूछे तो इसका इनफाइनाइट, टाइम पीरियड इज इनफाइनाइट। समझ में आ गई बात, इनफाइनाइट टाइम के बाद रिपीट होगी ऐसा अपन कह सकते हैं, लेकिन वो रिपीट नहीं हो रही। ओके, समझ में आ गई बात। अब इसके कर्व की बात करेंगे और एवरेज एनर्जी की भी बात करेंगे साथ में, तो उस फैक्ट के बाद, वो इम्पोर्टेंट फैक्ट था, उस फैक्ट के बाद हम बात करेंगे एवरेज। तो फॉर अ कंप्लीट साइकिल, फॉर अ कंप्लीट साइकिल, फॉर अ कंप्लीट साइकिल एक कंप्लीट अगर रोटेशन होता है तो एवरेज काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इस, इसका आधा पार्ट क्या है काइनेटिक एनर्जी और आधा पार्ट ही क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम कह सकते हैं कि के बार और इज इक्वल्स टू यू बार इज इक्वल्स टू 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके गाइस, ये याद रखें कि इसकी आधी जो होगी वो कंप्लीट साइकिल पर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज रहेगा। ओके, और इसी बात को और साथ में नोट करेंगे कि फॉर अ कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल एवरेज टोटल एनर्जी इज, एवरेज टोटल एनर्जी इज ई इज इक्वल्स टू, वो सेम ही रहने वाली है, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, ये 1/4 है क्योंकि इसमें से आधी काइनेटिक एनर्जी और आधी क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, बट टोटल एनर्जी का एवरेज तो वही रहेगा जो ये है, क्योंकि टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं हो रही। ओके गाइस, तो इसको एज ए समरी के तौर पे आप याद करेंगे कि जब अपन डिस्प्लेसमेंट को कॉस से स्टार्ट करेंगे तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कॉस के फंक्शन का ही रहेगा। ओके, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी आपकी, जो टोटल एनर्जी है वही है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। नाउ पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो साइन का फंक्शन रहेगी जब अपन कोस से डिस्प्लेसमेंट को स्टार्ट कर रहे थे। ओके, और मैक्सिमम उसकी भी वैल्यू यही रहने वाली है। ओके, सो नोट करेंगे और कुछ ऐसे फैक्ट्स मैंने लिखे हैं उनको आप इससे लाइन आउट कर लेंगे। नाउ वी विल हैव द कर्व फॉर द टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इनके कर्व की बात करेंगे। इसका सिंपल सा एक कर्व बनाएंगे हम लोग, तो देखिएगा जब आपका मोशन कहाँ से स्टार्ट होता है, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है। ओके, यानी कि आपका मेन पोजीशन पर जब डिस्प्लेसमेंट, ये प्लस ए है और ये क्या है आपका माइनस ए। ओके, तो जब आप मेन पोजीशन पर होते हैं तो कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है, कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है, हाफ के ए स्क्वायर, मेन पोजीशन पर आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। ओके, तो ये इस तरह से ये फंक्शन किसका बन गया, काइनेटिक एनर्जी का, ये क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी। ओके, क्या होगा, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, नाउ ये जीरो है, इस तरफ क्या है आपका एक्स है, माइनस एक्स, ये मेन पोजीशन। इस तरीके से अगर हम बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो यहाँ पर जीरो है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी,
और इन जगह पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी और वो भी हाफ के ए स्क्वायर के इक्वल होगी। तो पहले मैं यह लेवल मेंटेन कर रहा हूँ ये, ओके, और ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी का कर्व, ओके। तो दिस इज पी ई, ये क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, यू इज इक्वल टू दिस इज योर पी ई, यू इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर फोर्स स्क्वायर ओमेगा टी, ओके। नाउ ये है आपकी टोटल एनर्जी। सो गाइस, ये था आपका डार्क जो मार्क कर रखा है, ये जो डार्क यानी ब्लैक से आपको जो दिख रहा है वो आपका काइनेटिक एनर्जी है, ये रेड वाला जो है वो आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ओके। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ये, नाउ ओके गाइस, पोटेंशियल एनर्जी मेन पोजीशन पे क्या हो जाती है आपकी, जीरो हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी मेन पोजीशन पर क्या हो जाती है, मैक्सिमम। और ये है आपका टोटल एनर्जी, ई इज इक्वल्स टू के प्लस यू, क्या है आपका के प्लस यू, जो ऑलवेज क्या है आपका कांस्टेंट है। ये एक कर्व बना है, नाउ इसका मैं टाइम के साथ भी आपको कर्व बना के दिखा देता हूँ कि जब आपका टाइम स्टार्ट होगा, जब मोशन स्टार्ट होगा तो वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। ये था सिंपल ऐसे ही समझाने के लिए कि ऑसिलेशन होता जा रहा है, ओके। सो विद टाइम एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर, टाइम के साथ अगर मैं एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर उसको एक्सप्लेन करूं, तो ये टाइम एक्सटेंड हो रहा है, ओके। ये जीरो टाइम पर वो एक्सट्रीम पोजीशन पर है, क्योंकि हमने उसका मोशन ही किससे डिनोट किया है, एक्स से डिनोट किया है, ओके। सो अगर हम ये टोटल एनर्जी की बात करें कि ये आपकी टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी तो क्या है, कांस्टेंट है, ओके। नाउ जब आपका मोशन स्टार्ट होता है, तो हमने जो सिंपल पेंडुलम बताया आपको, वो कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करना है, क्योंकि उसका एक्स आप क्या ले रहे हैं, ए कोस ओमेगा टी ले रहे हैं, ओके। तो इसका मतलब आप ऑलरेडी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन पर है। तो टी इक्वल्स टू जीरो पर आपका कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी, क्या मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी, और वो टी बाई फोर टाइम में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये मेरा टी बाई फोर है, ये टी बाई टू है, ये थ्री टी बाई फोर है, और ये टू टी बाई फोर, यानी कि एक तरह से आपका टी है, ओके गाइस, फाइव टी बाई फोर, इस तरह का आपका ये फंक्शन रहेगा। तो सबसे पहले बताइए कि एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम कौन है, पोटेंशियल एनर्जी, ओके, जो इस तरह से हार्मोनिकली मूव हो रही है, और ये इस तरह से वापस, ये हो गई आपकी मिनिमम टी बाई फोर पर, फिर वापस क्या हो गई, मैक्सिमम, क्या हो गई, मैक्सिमम, ओके, फिर क्या हो गई, मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, ओके। ये आपका क्या था, उसका टाइम पीरियड था। नाउ नेक्स्ट अगर अपन काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम, ओके, यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, यहाँ क्या होगी, मैक्सिमम, ओके। सो गाइस, जिस जगह पर ये आपका 5t बाई फोर, थोड़ा सा प्रॉपर बना देंगे तो समझ आ जाएगा क्या है ये, इस जगह आपका कौन मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये रेड कर्व किसको शो कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को, यानी कि u को, ओके, और डॉट जो कर्व है वो किसको शो कर रहा है, आपका काइनेटिक एनर्जी को, ओके, k को, और ये जो है वो क्या आपका किसको शो कर रहा है, ये जो डार्क फंक्शन है, ये जो ऊपर से सेम कांस्टेंट चल रहा है, ई इज इक्वल्स टू के प्लस यू, ओके गाइस। सो वी विल सी कि ये टी बाई टू टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, एवरी टी बाई टू टाइम के बाद रिपीट होता है, और ये काइनेटिक एनर्जी वो भी टी बाई टू टाइम के बाद रिपीट हो रही है। इसीलिए मैंने बताया था आपको कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज़
टी बाय टू, ओके। और क्योंकि आपकी ये जो टोटल एनर्जी है वो रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए इसका टाइम पीरियड तो होगा इन्फिनिट, ओके। इनकी फ्रीक्वेंसी जो भी आपका ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है उससे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डबल होगी, ओके। ये थोड़ा ग्राफ एक जैसा बनना चाहिए, यूनिफॉर्म लगना चाहिए, ओके गाइस। यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टी बाई फोर टाइम लगता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में भी टी बाई फोर, वापस टी बाई फोर, वापस टी बाई फोर, इस तरह से ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। नाउ गाइस वी विल गो टू सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और उसके साथ एक काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसको एक और फॉर्म में भी आपको नोट करना चाहिए, वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी हम किससे डिनोट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल्स टू हाफ और एम वी स्क्वायर से लिख रहे हैं, ओके। सो बाकी एक्सप्रेशन वो का वो ये एक वी का एक्सप्रेशन आपने ये लिखा है कि ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह का आपने लिखा है। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका के इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ओके, क्योंकि ये वी का पूरे का स्क्वायर हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो जब आप पोटेंशियल एनर्जी को डिस्प्लेसमेंट में ऐसा लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, उसी समय अगर आपको इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी के लिए हो तो उसका फॉर्मूला ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा इसको, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके गाइस। ये है आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू नोट दिस उस टॉपिक के साथ ही, काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कब यूज़ करना है इस फॉर्मूले को, जैसे पोटेंशियल एनर्जी में आपका हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, यू कैसा होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, वो कब यूज़ होता है, जब आपका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, ओके। नाउ अगर आपको काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट से निकालनी तो ये फॉर्मूला यूज़ करना रहेगा, और एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल करेंगे उसमें इसका प्रॉपर यूज़ रहेगा, ओके गाइस। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है एनर्जी टॉपिक में, आप देखेंगे कि अ ब्लॉक हुज मास इज 1 kg इज फास्टन्ड टू अ स्प्रिंग, उसको स्प्रिंग के साथ जोड़ दिया गया, मैं केवल लैंग्वेज रीड कर रहा हूँ, वैल्यूज नोट कर ले आप डायरेक्ट। द स्प्रिंग हैज अ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट 5 newton per meter, ओके, मास दे रखा है और के दे रखा है। द ब्लॉक इज पुल्ड टू अ डिस्टेंस एक्स इक्वल्स टू 10 cm फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम, यानी उसका एम्पलीट्यूड दे रखा है कि इतना उसको मैक्सिमम खींचना है, एक्स जीरो है मीन पोजिशन पर, फ्रिक्शन लेस सरफेस फ्रॉम रेस्ट एट टी इक्वल्स टू जीरो, कैलकुलेट द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जीज ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज 5 cm अवे फ्रॉम द मीन पोजिशन, मीन पोजिशन से उसका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ओके गाइस। सो गाइस आपको सब कुछ वैल्यूज गिवन है, क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, का मास जो है वो 1 kg है, ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट के जो है 50 newton per meter है। नाउ यू आर गिवन दैट एम्पलीट्यूड जो है वो आपका 10 cm है, ओके, एंड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एक्स आपका दे रखा 5 cm, ओके। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, ओके। तो सपोज दैट मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा पेंडुलम है, ये मीन पोजीशन है, यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रखें आप लोग, 10 cm, हमें इस 5 cm पर क्या निकालना है, इसका टोटल एनर्जी निकालना है। तो टोटल एनर्जी तो सब जगह सेम ही आता है, ओके, एक्स की वैल्यू 5 दे रखी है हमको। सो गाइज अब भी मैंने फॉर्मूला लिखा कि यू जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, ओके। सो यू विल हैव यू इज इक्वल्स टू हाफ, ओके, के की वैल्यू 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना उसका 5 cm है, तो उसको अपन 5 × 10⁻²⁺ लिख देंगे होल स्क्वायर, सॉलिड यू विल हैव द आंसर, ओके, इन द जूल, ओके। नाउ क्या क्या फाइंड करना है आपको, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है और टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। सो
नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हाफ, और फॉर्मूला क्या था मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा, हाफ ओमेगा हाफ के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके हाफ के है, सॉरी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान से देख लेंगे थोड़ा सा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो हाफ के की वैल्यू 50, ए स्क्वायर कितना हमारा 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और क्योंकि ये स्क्वायर में है तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस 4 लगाऊंगा मैं उसको प्रॉपर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। सो काइनेटिक एनर्जी आपका आ जाएगा यहाँ पर अगेन जूल में, दोनों आप कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे और उससे आंसर निकाल के बता देंगे। ओके गाइस, सो काइनेटिक एनर्जी आपको आती 0.1875 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी आपको आती है 0.0625। ओके जस्ट सॉल्व देम एंड फाइंड द आंसर। नाउ अब आपको चाहिए टोटल एनर्जी, तो सीधा है कि या तो टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होता है हाफ के ए स्क्वायर, इससे निकाल दें, या तो इसको यूज़ कर लें, एम्पलीट्यूड आपके पास है जो सेंटीमीटर से मीटर में कर लेंगे और के आपको न्यूटन पर मीटर में दे रखा है, और आप ये कर लें कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है आपका टोटल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी 0.1875 प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0.0625, दोनों को सम करेंगे तो आपको इसका टोटल आंसर मिल जाएगा। ओके गाइस, सो यू विल हैव 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, ओके 6 और 8 14, सो यू विल हैव 0.25 जूल। ओके 0.25 जूल। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि हमको क्या क्या दे रखा है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट दे रखा है कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये डिस्प्लेसमेंट है, तो हम जो बेसिक फॉर्मूला है यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर वही यूज़ करेंगे। अगर आपको मास और ओमेगा दे रखा होता तो ये फॉर्मूला बनता हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या होता हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि वो के की वैल्यू है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्प्रिंग फोर्स कॉन्स्टेंट, AIEEE का क्वेश्चन है ये, स्प्रिंग फोर्स कॉन्स्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एक्सटेंशन फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। ओके सो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट दे रखा है के 800 न्यूटन पर मीटर एंड एक्स दे रखा है 15 सेंटीमीटर, आपको 15 सेंटीमीटर तक इसको क्या करना है स्ट्रेच करना है और यहाँ पर इसका वर्क डन निकालना है। ओके गाइस, तो ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, आपने पिछले चैप्टर्स में भी स्प्रिंग के लिए किया हुआ है वर्क एनर्जी में इसको। ओके मैं फॉर्मूला लिख के आपके लिए छोड़ देता हूँ उसको, का वर्क डन जो होता है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के इक्वल होगा। ओके क्योंकि जब इसको अपन एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाएंगे तो इसका काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगा, तो कुल मिला के जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ वही इसका वर्क डन हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू। ओके सो हम ये कह सकते हैं हाफ के एक्स टू का स्क्वायर माइनस एक्स वन का स्क्वायर। ओके गाइस, सीधा सीधा है कि ये हमारे पास 5 × 10 की पावर माइनस 2 है और ये 15 × 10 की पावर माइनस 2 है। ओके सोल्व करके इसको आप बता देंगे, ये आपको एज अ होमवर्क में आपके लिए तासा कैलकुलेशन में लीव कर रहा हूँ। ओके नाउ वी विल गो टू सम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, एंड ई के रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी अंडरगोइंग SHM। ई अगर टोटल एनर्जी है तो एट अ पोजिशन वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके
if E is the total energy, E क्या है, total energy है in particle, energy for particle in SHM, okay? EP and EK are potential and kinetic energies. Then what is EP and EK in terms of E? When position of when particle is at half of its amplitude. Position of particle is at half of its amplitude. Okay, सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे. ई पी और ई के को आपको किसकी फॉर्म में ऑब्टेन करना है, ई की फॉर्म में. सो पहले हम बात कर लेते हैं ई की वैल्यू क्या होती है. तो हाफ के ए स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, ई कहते हैं. अब हम जो फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, गिवन एक्स कितना है आपका, एक्स जो है वो क्या है, ए बाय टू है. ओके, सो बात करेंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी ई के इज इक्वल्स टू होता है आपका, अगर हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में चाह रहे हैं, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, पुट करना है और इसे सिंपल सी वैल्यू में फाइंड करना है. सो ई के विल बी हाफ के ए स्क्वायर माइनस ए बाय टू का स्क्वायर. ओके, ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमेशा मेन पोजीशन से होगा. ओके गाइस, सो ध्यान रखें, कभी अगर एक्सट्रीम से पोजीशन डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो हमको उसको कन्वर्ट करके मेन से निकाल देना है. सो ए बाय फोर को ए में से माइनस, ए स्क्वायर में से माइनस किया, सो ई के विल बी वन बाय टू के, ओके, फोर के ए स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय फोर. ओके, सो आपको आंसर मिलेगा 3a स्क्वायर. तो हाफ के a स्क्वायर और ये आ गया 3/4. ओके गाइस, इसको हम क्या कहते हैं, e बोलते हैं, इसलिए हम ये हो जाएगा 3/4 ऑफ e विल बी ई के. सिमिलरली आप क्या फाइंड कर लेंगे, आप ई पी फाइंड करेंगे. ई पी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर. क्या होता है, एक्स कितना है हमारा, एम्पलीट्यूड कितना है, ए बाई, पोजिशन उसकी कितनी, ए बाई टू. सो इट विल बी हाफ के ए बाई टू का होल स्क्वायर. ओके, सो वी विल हैव 1/4 ऑफ हाफ के ए स्क्वायर. और ये हमारा कितना है, ई है इक्वेशन वन में. सो वी विल हैव ई पी इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ ई बोथ. और अगर आपको इस आंसर को करेक्ट चेक करना है तो दोनों का सम कर लीजिएगा, आपको वन यानी कि ई के इक्वल आना चाहिए. इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 1/4 ऑफ ई और 3/4 ऑफ ई का सम क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए. दिस इज़ योर आंसर. आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा पूरा. ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए. इन SHM काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी, 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी. देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड. ओके, क्या बोला गया आपको, अगर SHM में काइनेटिक एनर्जी इज 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी, देन व्हाट इज एम्पलीट्यूड. ओके, इफ काइनेटिक एनर्जी इज in SHM is 1/4 of total energy, then
what is its displacement in terms of amplitude A. ओके गाइस, ऑप्शंस दे देते हैं आपको, ए बाय टू, रूट थ्री बाय टू ए, सी टू बाय रूट थ्री ए, ए बाय टू, रूट थ्री बाय टू, टू बाय रूट थ्री और ए बाय रूट, लास्ट इज ए बाय रूट टू. ओके गाइस, सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी जो है 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी, तो ई काइनेटिक एनर्जी है इज इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी दे रखी है आपको. ओके, फॉर्मूला लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हाफ के और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ हाफ के ए स्क्वायर, ये है टोटल एनर्जी. ओके, आपको पता है फॉर्मूले, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है टोटल एनर्जी का. नाउ वी विल हैव के से के कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, सो वी विल हैव 1/4 ए स्क्वायर. ओके, सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ए स्क्वायर, इसको इधर भेज दे और इसको इधर भेज देते, तो ए स्क्वायर माइनस 1/4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ओके, ये एलसीएम लेंगे तो 4a² माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 4x² आंसर मिल जाएगा आपको, 3a² बाय 4 का वैल्यू x² के इक्वल आया. सो x इज इक्वल टू √3a² बाय 4, सिंपल सी वैल्यू है ये, इसको सोल्व करेंगे तो √3/2a आपको आंसर मिलेगा. ओके गाइस, समझ में आ गई बात, सो √3/2 ऑफ ए इज द आंसर. देख ले एक बार इसको और स्क्रीनशॉट ले लेवे, आप खुद से ट्राई करें. इसी तरीके से आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उसमें देर विल बी लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. सबसे पहले एनसीईआरटी को सोल्व करें, उसके बाद बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम की बुक को भी सोल्व करें, आपको आंसर मिल जाएगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चंस के साथ, लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मीन पोजीशन से होता है. अगर कभी आपको ऐसा बोल रखा है कि एक्सट्रीम पोजीशन से इतना डिस्प्लेस हुआ है तो उसको टोटल एम्पलीट्यूड में से माइनस करके उसका एक्स निकालेंगे. ओके गाइस, बाय बाय, एन्जॉय योर सेल्फ.